स्वागत है आपका आप सभी के YouTube चैनल पीजे टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों एक बिग अपडेट आई है कि जो आपकी JBBNL वैकेंसी की जो वैकेंसी है वो निकल चुकी है, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म में किस तरह का पैटर्न रहेगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो भर्ती जो ऊर्जा विभाग से निकली है, तो आप देख सकते हो कि थंबनेल के अंदर आपको दिया गया है, दिखा रखा है कि ये भर्ती जो निकली है वो EWS की यानी कि सीधी भर्ती में EWS वर्ग के नियमों में संशोधन के बाद आवेदन प्रक्रिया के लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी। 2370 पदों पर सीधी भर्ती की आवेदन प्रक्रिया 7 से 21 जून तक किया जा सकेगा। तो ये आपको थंबनेल में हमने आपको बता रखा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो कि आप जो वैकेंसी है वो किन किन पदों पर निकल चुकी है निकलेगी। जो वैकेंसी जेएनएल की जो वैकेंसी है वो निकलेगी जूनियर अकाउंटेंट और JLO और JR असिस्टेंट जॉब्स के ऊपर ये वैकेंसी निकलेगी। तो विज्ञप्ति ये जारी की गई है। तो आप देख सकते हो कि जो ऊर्जा विभाग के जो नियम हैं कि जो ऊर्जा विभाग के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है वो देख सकते हो आप। ऊर्जा विभाग से बड़ी खबर आ रही है, तो क्या आ रही है वो देख सकते हो आप। तो आप विद्युत नियमों में सीधी भर्ती में EWS वर्ग के नियमों में संशोधन के बाद आवेदन प्रक्रिया के लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी। 2370 पदों पर सीधी भर्ती आवेदन प्रक्रिया 7 से 21 जून तक किया जा सकेगा। तो आप ये देख सकते हो। उसके बाद में हम आपको आप उसके बाद ये देख सकते हो कि बेरोजगार के लिए अच्छी खबर क्या है। तो बेरोजगार के लिए अच्छी खबर क्या है, विद्युत कंपनियों में 2370 पदों पर भर्ती मामला, 2 माह में ऑनलाइन भर्ती। तो परीक्षा कर नियुक्ति दे सकते हो। आप देख सकते हो कि जो शेष रह जाएगी, उसके बाद जो शेष रह जाएगी वो 3 वर्ष के में होने वाली की भर्ती हेतु योजना और CM अशोक गहलोत की इसी वेबसाइट है। तो आप ट्विटर पे जाके इनको कह सकते हो ये इस वेबसाइट पे जाके। तो उसके बाद में जो निकली है आप देख सकते हो, न्यूज़ पे भी इसका टेलीकास्ट हुआ था। तो आप इस देख सकते हो न्यूज़ पे क्या टेलीकास्ट हुआ था। ऊर्जा विभाग ने बेरोजगार के लिए खोला भर्तियों का पिटारा, लंबे इंतजार के बाद जारी हुआ 2390 पदों पर भर्ती। तो विज्ञापन 5 बिजली कंपनियों में विभिन्न पदों के लिए निकाली गई विज्ञप्ति। बतौर नोडल एजेंसी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने 1075, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम ने 1295 पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिनमें AEN, JEN, जूनियर केमिस्ट, सूचना सहायक, अकाउंटेंट PEO, जूनियर अकाउंटेंट और APO और जूनियर लीगल ऑफिसर और जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट के पद पर ये भर्ती निकाली गई है। उसके बाद में उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको दिखा चुका है, देख सकते हो कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हो कि ये आज ही जारी किया गया है, ये 1 जून को ही जारी किया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और जो ये भर्ती है जो EWS और पिछड़ा वर्ग जो होती है उनके लिए भर्ती निकाली गई है। तो जो आप देख सकते हो कि इसका जो आज ही इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, तो ये देख सकते हैं 2070 पदों के लिए 2370 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसका आवेदन है वो आप 7 जून से 21 जून तक कर सकते हैं। उसके बाद में ये आप नोटिफिकेशन आपको भेज दिखा दूंगा, इसका लिंक मैं आपको नीचे भेज दूंगा। उसके बाद में आप बात करेंगे कि जो उसका नोटिफिकेशन जो होगा उसका पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो पैटर्न जो होगा इसका, तो आप देख सकते हो कि 5 बिजली कंपनियों में होने वाली लेखा अधिकारी, JEN कर्मिक अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों की भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र में भाग होंगे। तो उसमें 2 भाग होंगे। तो 2 भाग कौन कौन से प्रश्न पत्र में, पहला जो भाग होगा उसके अंदर 60% होगा, 60% अंक का होगा। जो पहला भाग होगा वो 60% अंकों का होगा और जो दूसरा भाग होगा वो 40% अंकों का होगा, जिसमें आप देख सकते हो कि ये 16% सामान्य ज्ञान होगा और हिंदी होगा, अंग्रेजी होगा, गणित होगा, वही 24% राजस्थानी होंगी। तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद में जो सिलेबस पैटर्न है, तो आप सिलेबस पैटर्न के अंदर जो होगा वो कंप्यूटर एग्जाम जो कमियाँ होगा, कंप्यूटर आधारित लिखित प्रतियोगी परीक्षा ऑनलाइन रीति के माध्यम से संचालित की जाएगी। जो एग्जाम है वो कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। जो प्रश्न पत्र में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, यानी कि MCQ प्रश्न होते हैं, MCQ तो वही प्रश्न आएंगे। उसके बाद में जो उसकी एग्जाम डेट के बारे में आपको बताएंगे देंगे। उसके बाद प्रश्न पत्र में 2 प्रकार का होगा। तो पहला जो भाग होगा आप दिखा सकते हो, मैंने आपको पहले बता दिया है, जो पहला भाग होगा 60% अधिमान यानी कि परीक्षा का जो मानक पाठ्य विवरण होगा विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा स्तर होगा और इसका सच्चक विसार परीक्षा के पूर्व अनुसूचित किया जा सकेगा। उसके बाद जो दूसरा भाग होगा, दूसरे भाग में क्या होगा, दूसरे भाग में 40% अधिमान होगा लेकिन तार्किक प्रश्न यानी कि रीजनिंग, मानसिक योग्यता, गणित, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, सामान्य हिंदी व सामान्य अंग्रेजी के जैसे प्रश्न आपके पूछे जा सकेंगे। और उसके बाद में नोटिफिकेशन आपको देख सकते हो, इसका 2 घंटे का पेपर है, हमने आपको बता दिया है पूरा। अब उसकी बात की जाए, इसके अंदर जो एज लिमिट मांगी पूछी गई है, इसके अंदर जो एज लिमिट पूछी गई है कैंडिडेट मैक्सिमम के जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 है और मैक्सिमम एज लिमिट 28 रखी गई है। तो ये आपके लिए पूछी गई है, ये रूल है कुछ एज लिमिट का। उसके बाद में अब बात की जाएगी, ये इसके अंदर जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट है 2370 पोस्ट है। तो ये पोस्ट किन किन पदों पर निकली गई है तो हम आपको बताते हैं। 39 पोस्ट है वो AEN पदों पर निकली गई, 39 पोस्ट AEN पर, और 11 पोस्ट है लेखाधिकारी और 6 है पोस्ट है कर्मिक अधिकारी। उसके बाद में 11 है वो सहायक कर्मिक अधिकारी और 13 पोस्ट निकली गई है वो कनिष्ठ विधि अधिकारी के लिए निकली गई है। उसके बाद में जो
946 जेन है वो जेन के लिए निकाली गई, 313 जूनियर अकाउंटेंट के लिए, 27 जूनियर केमिस्ट के लिए, 38 स्टेनोग्राफर के लिए, 46 सूचना सहायक के लिए। उसके बाद में जो 920 पोस्ट है वो कमर्शियल असिस्टेंट यानी कि दत्ते के लिए निकाली गई। तो टोटल वैकेंसी की जो मामला आपको बता दीजिए संख्या कितनी है। उसके बाद में जो पोस्ट है उसके बाद में बात की जाए कि आप ये आवेदन कब तक कर सकते हो, तो उसका मैंने आपको पहले बता दिया इसका आवेदन है आप ऑनलाइन स्टडी जो एग्जाम हो गया स्टार्टेड वो 7 तारीख से कर सकते हो, 7 जून से आप इसका आवेदन कर सकते हो। उसके बाद में जो एंडिंग डेट है वो 21 जून तक इसलिए समाप्त हो जाएगा, तो 21 जून तक ये आप इसका आवेदन कर सकते हो, 7 जून से इसका स्टार्टिंग हो जाएगा, फॉर्म भरना अप्लाई कर सकते हो आप, तो आप देख सकते हो। उसके बाद में आपसे पूछा अगर उसके बाद में आपसे जो अप्लाई एप्लीकेशन की जो फीस होगी उसके बारे में बात की जाए, तो जो उसकी एप्लीकेशन फीस है वो 1600 रुपये होगी, अन्य स्रोतों के लिए 1600 रुपये आवेदन शुल्क होगा, और जो रुपये घटाकर आप कितने रुपये कर देंगे, पहले जो शुल्क था वो 1600 रुपये था लेकिन आप जो घटाकर कर दी गई है वो 1200 रुपये कर देगी, तो 1200 रुपये आपको इस फॉर्म को भरने में लगेंगे। तो अगर आप JVNL की तैयारी कर रहे हो, JVNL DMRC UPSC की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हमारे जो नोट्स PDF हम आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, रोजाना डेली क्विज चलती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, यही आपकी बिग अपडेट मैं लेके आया हूँ। ऐसे बिग अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।